अगर आपको पढ़ाई करने में आलस आता है तो आपको ये ट्रिक अपनानी चाहिए। इंडिया में पासिंग मार्क्स 33% ही क्यों होता है? अगर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हो तो ये फैक्ट आपको जरूर जानना चाहिए। तो भाई इस वीडियो में आप बहुत ही बेहतरीन के फैक्ट जानने वाले हो, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पंचजन्य संख। दोस्तों ये बहुत ही दुर्लभ संख है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई, और इतना ही नहीं समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से ये संख छठवां रत्न था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी जिस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस रोबोट का नाम है रश्मि और ये दुनिया के सबसे पहले हिंदी बोलने वाले रोबोट है, जिसको रांची के श्रीवास्तव ने बनाया है। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि ये रोबोट हिंदी, मराठी, भोजपुरी और इंग्लिश भी बोल लेती है। आपकी उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 30 मिनट और 22 सेकंड। हैरानी की बात तो ये है कि ये रोबोट इंसानों की भावनाओं को भी समझ सकती है। और दोस्तों इस रोबोट को भगवान पर भी भरोसा है। इस रोबोट गर्ल से आप आम लोगों की तरह बात भी कर सकते हो और ये आपके हर एक सवाल का जवाब भी दे सकती है, जब इन्होंने 2010 की रोबोट मूवी को देखा था। नेक्स्ट, अभी जो अपने फोन में आप जिस पहाड़ को देख रहे हो, इसका नाम है कौवा डोल। दोस्तों ये पहाड़ बिहार में है, जिसे लोग कौवा डोल के नाम से जानते हैं, और इस कौवा डोल पहाड़ की भी एक अलग ही कहानी है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों के आगमन के दौरान एक बार ऐसा हुआ था, जब वैज्ञानिक इस पहाड़ की चट्टानों पर कुछ कर रहे थे, तभी वहाँ पर चट्टानों की गुफा में से एक कौवा का झुंड निकला और सभी कौवा पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए, और उसके कुछ ही देर बाद इस पहाड़ का चट्टान हिलने लगा। ये आज भी एक गहरा रहस्य बनकर रह गया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, इसके बारे में हजारों वीडियो है। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में एक बड़ा झरना है, जिसे अथरेल फ्लेम फॉल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें फैक्ट ये है कि इस झरने के पानी में एक लौ जलती है, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। जो भी लोग इस जगह पर आते हैं वो इस अजीबोगरीब नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ना तो इस झरने का पानी कभी सूखता है और ना ही इसके अंदर ये जल रही लौ कभी भी बुझती है, और जब मौसम खराब हो जाता है तब ये पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, उसके बावजूद भी इस झरने की आग जलती हुई मिलती है। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए थे। दोस्तों आज भी एक रहस्य है कि इतनी बर्फ पड़ने के बावजूद भी आखिर ये आग क्यों नहीं बुझती है। नेक्स्ट, आपने कभी नोटिस किया होगा, बहुत बार जब हम सो रहे होते हैं तो हमें कई बार नींद में झटके लगते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते समय हम अपने हार्ट बीट की गति को कंट्रोल करने लगते हैं, और जब हार्ट बीट की गति शून्य होने लगती है तो हमारी बॉडी को ये लगता है कि अब मौत आ गई है। तो ये चेक करने के लिए कि बंदा मरा है या जिंदा है, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक करंट देता है, और इसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें रात में झटके महसूस होते हैं और हम घबराकर जाग जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 5 बार धुलने के बाद एक शख्स के 4499 रुपए के जींस का रंग फीका पड़ गया, जिसके कारण उसने दुकानदार पर ही केस ठोंक दिया, और फिर दुकानदार को 1000 रुपए का हर्जाना और 416 रुपए वापस करना पड़ा। नेक्स्ट दोस्तों, ये फैक्ट सुनने के बाद आपके अंदर किसानों के लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी। दरअसल नॉर्वे में सेब तोड़ने के बाद किसान सेब का कुछ हिस्सा बाग के बाहर लटका देते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे लोग जो गरीब हैं और जो सेब नहीं खरीद सकते हैं, वो इन सेबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे किसानों के लिए तो एक लाइक बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी से देर तक बात करते हो तो उससे अट्रैक्शन होने लगता है, और 80% लोग इसे प्यार समझ बैठते हैं। नेक्स्ट, योग अनुसार यदि कोई इंसान अपने आंखें बंद करे और जुबान के हिलने डुलने को रोक कर सांसों पर ध्यान दिया जाए तो फिर विचार भी सुन्न हो जाते हैं, और विचारों के बंद होने के बाद इंसान को जो अनुभव होता है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, वो बहुत ही अद्भुत होता है। नेक्स्ट, आप कभी नोटिस करना, कई बार हम जब किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारी बहुत इज्जत करता है, लेकिन जैसे जैसे हम उससे अधिक बात करने लगते हैं तब वो हमारी धीरे धीरे इज्जत करना कम कर देता है, ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बात को जरा ध्यान से समझना, इसका सीधा सा कारण ये है कि जैसे ही हम अपना मुख खोलते हैं तो ये समझो कि हम अपना कुछ गंवा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोगों के सामने खुलते जाएंगे उतने ही ज्यादा हम लोगों के सामने बिखरते जाएंगे। और हमेशा याद रखना, बिखरे हुए सामान की कोई इज्जत नहीं होती, तो इसीलिए दोस्तों जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ घुल मिलकर रहना अच्छा नहीं होता है, इससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आपका मोटिवेशन लेवल कई हद तक बढ़ जाएगा। दरअसल एक लड़के ने 5 साल के अंदर 4 थिएटर खरीद लिए सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने सिर्फ उसे इसलिए थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसके पास 2 मूवी टिकट के लिए पैसे नहीं थे, और उसी बेइज्जती को ही बंदे ने अपना हथियार बना लिया और इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि 4 थिएटर को ही खरीद लिया। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि सुपर स्टार थलापति विजय ने पहली बार इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, और हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ एक पोस्ट करते ही 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों पूरी दुनिया में भूटान इकलौता ऐसा देश है जहाँ की सरकार सबको घर देती है और एक गारंटी देती है कि इस देश में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। और दोस्तों सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस देश में आपको भिखारी नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर ना तो आपको बिना घर वाले लोग मिलेंगे, यहाँ पर हर किसी के पास अपना खुद का मकान है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के लोग
तौर पर सबसे खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में इलाज एकदम मुफ्त है। इस देश में दवाओं का खर्च भी सरकार उठाती है। दोस्तों एशिया का कोई भी ऐसा देश अपने लोगों की ऐसी गारंटी या जीवन यापन करने की सुविधा नहीं दे पाती है जो कि इस टाइम भूटान दे रहा है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो माइकल जैक्सन और शाहरुख खान दुनिया के दो मात्र ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया के हर एक महाद्वीप से पुरस्कार जीता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है यदि आप पढ़ाई करते समय आपको आलस और नींद आती है तो आप फ्रेश होकर जूते पहनकर मेज और कुर्सी के सेटअप पर पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा करने से आपको नींद और आलस बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में पासिंग मार्क्स सिर्फ 33% ही क्यों होते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों 1858 में अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला एग्जाम लिया गया था। आपको बता दें कि ब्रिटेन में पासिंग मार्क्स 65% थे। अंग्रेजों का मानना था कि इंडियन लोगों में आधा दिमाग होता है, इसीलिए अंग्रेजों ने इंडिया में पासिंग मार्क्स 65% के बदले आधा कर दिया, जो कि 33.5% है।